हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों, आपके सामने MSc का जूलॉजी का सिलेबस है और ये आपके सामने भी प्रीवियस ईयर का दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्रीवियस ईयर ही नहीं, ये फाइनल ईयर का भी आप देखेंगे, फाइनल ईयर का भी सिलेबस आपके सामने ये है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, सर प्लीज़ MSc का सिलेबस इस बार क्या है बता दीजिए, MSc का सिलेबस सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए। तो मुझे अब भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग खुद से डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये नोट, ये बिल्कुल जो बड़ा सा PDF है, बहुत पेज का है, आप देखेंगे 19 पेज का है बिल्कुल, और ये पूरा डिटेल में दिया गया है ना, यूनिट वाइज आप देखेंगे, यूनिट वाइज बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल इसमें आपको बताया गया है, और एक एक चीज़ इसमें आपको दी गई है। और ये सिर्फ मैं बता दूँ प्रीवियस ईयर ही नहीं, फाइनल ईयर के लिए भी है। दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये पुराना वाला सिलेबस है, ये बिल्कुल नया वाला सिलेबस है। मैं आपको बता दूं, MSc का ये बिल्कुल नया वाला सिलेबस है। अभी जो नई शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको डाउनलोड किया है, वहाँ पे बिल्कुल आप लोग जा करके भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, लेकिन आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिंक इसका दे दिया है। तो ये बिल्कुल नया वाला नोट है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। दूसरी बात एक, ये किस यूनिवर्सिटी का है तो मैं बता दूँ, ये खास करके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। हालांकि इस बार तो सिलेबस लगभग सभी यूनिवर्सिटी के सेम कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, तो ये पूर्वांचल के लिए बिल्कुल है, प्योर ये पूर्वांचल का है। बाकी अगर आप देख लीजिएगा, आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर सेम चीज़ें अगर आपके भी सिलेबस में दी गई हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये खास करके पूर्वांचल वालों के लिए है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में दिया गया है। एक और क्वेश्चन आप लोगों का कि इस बार सेमेस्टर वाइज होगा कि ईयरली होगा, तो इसमें ऐसा सेमेस्टर जैसा कुछ नहीं दिया है, इसमें बिल्कुल ईयरली वाइज ही दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें सेमेस्टर नहीं लिखा है, इसमें सीधे सीधे लिखा है, मैं आपको दिखा दूँ, प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस लिखा है MSc प्रीवियस जूलॉजी, इसका मतलब है कि पहला साल का, और पहले साल में 6 पेपर होंगे। टोटल कितने पेपर, तो आप देखेंगे कुल मिला के यहाँ पे 6 पेपर हैं, और कितने कितने मार्क्स के, तो सभी के सभी 75 मार्क के हैं, टोटल मिला के 450, और इसके बाद 2 प्रैक्टिकल आपका होगा, प्रैक्टिकल ए और प्रैक्टिकल बी। ठीक है, प्रैक्टिकल ए और प्रैक्टिकल बी, 2 प्रैक्टिकल आपका होगा 75-75 का ही, तो कुल मिला के 600 नंबर का आपका प्रीवियस ईयर होगा। और अगर मैं बात करूँ फाइनल ईयर की, तो फाइनल ईयर में आप देखेंगे कि कुछ स्पेशल पेपर भी रहेंगे और कुछ आपके जनरल पेपर भी रहेंगे जो सबके लिए रहेंगे, तो इसमें फाइनल ईयर में भी सबके सब 75 के ही है ना, तो 3 पेपर आपके पहले तो 75 के रहेंगे। ठीक है, ये वाला, ये 225 नंबर का, इसके बाद कुछ स्पेशल पेपर है ए बी सी करके पेपर नंबर फोर पेपर नंबर फाइव और पेपर नंबर सिक्स। ठीक है, ये ए वाला है, मतलब इसमें से कोई एक आपको लेना होगा, जिसका नाम वैसे है फिश बायोलॉजी, तो फिश बायोलॉजी में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा, इन तीनों पेपर में से जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से एक आपको देना होगा, तो ये भी आपका 75 नंबर का रहेगा। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी आपका दूसरा पेपर होगा ऑप्शनल, इसमें से भी 3 पेपर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका एंडोक्राइनोलॉजी, तो ये आपका थर्ड पेपर रहेगा, इसमें भी 3 पेपर रहेंगे, तो ये 3-3 में यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइडेड है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये इसमें भी 2 आपके प्रैक्टिकल भी रहेंगे, एक तो प्रैक्टिकल रहेगा आपका जनरल वाला, जो कि जनरल 3 पेपर थे, और एक स्पेशल प्रैक्टिकल होगा जो कि आप स्पेशल सब्जेक्ट जो लेंगे, तो कुल मिला करके 600 का आपका यहाँ पर भी रहेगा, यानी कि फाइनल ईयर में भी आपको 600 नंबर का टोटल पूर्णांक आपका रहने वाला है। ठीक है, कैसे, तो मैंने आपको बता दिया कि 75 नंबर का आप देखेंगे कि ये रहेगा, इसमें से कोई एक पेपर 75 नंबर का, इसमें से कोई एक पेपर, और 75 नंबर का इसमें से कोई एक पेपर, ये तीनों हो गया 75-75 का, और इसके बाद 225 नंबर का ये। ठीक है, तो सब मिला करके हो जाएगा 600 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये प्रैक्टिकल 75-75 नंबर के यहाँ पे प्रैक्टिकल भी, तो मिला करके सब मिला के टोटल 600 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शनल रहेंगे, सेल बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और फिश बायोलॉजी, ये तीनों में से एक एक पेपर आपको लेना रहेगा, ये ऑप्शनल रहेगा, मैं एक बार फिर से बता दूँ, और ये 3 पेपर बिल्कुल कंपलसरी रहेंगे, ये सबको लेना ही पड़ेगा, इसमें आप
चूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो ये है आपका एमएससी का जूलॉजी का, और ये आपका प्रीवियस ईयर का जूलॉजी का सिलेबस है। और इसमें अगर मैं यूनिट वाइज की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर का यूनिट वाइज शुरू होता है, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, इस तरीके से करके बिल्कुल यूनिट वाइज यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। और इसके बाद फिर आपको ये आपका हो गया, और फाइनल ईयर का आपका हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से आप देखेंगे फाइनल ईयर का आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही पीडीएफ के अंदर आपको प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर दोनों के ही सिलेबस आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो फटाफट से आप लोग इसको जाइए डाउनलोड कर लीजिए और आराम से बैठ करके पढ़ाई करिए। और किसी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दे दूँगा। या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का चाहिए तब भी आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।